इंडियन ग्रामर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से आप आपके बालों की परेशानियाँ दूर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ वन इंग्रेडिएंट से। वो तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि वो इंग्रेडिएंट कौन सा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल के बारे में गाइस। तो गाइस, इसी के बारे में आज पूरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने बालों में इसका यूज करते आ रही हूँ और किस तरीके से इसे लगाना है, हर चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको भी देखने मिल सके। और गाइस, वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। आपके बाल अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हेयर लॉस हो रही है, आपके बालों में बहुत ही कम एज से ही आपके बालों में व्हाइट हेयर जो है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं और आपके बालों की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, आपके बाल ऊपर से घने नीचे से पतले दिख रहे हैं, तो सारे बालों की प्रॉब्लम जो है ना ये सॉल्व करने वाला है। जैसे कि अगर आपके बाल जो है वो बालों की ग्रोथ रुक गई, आपको लंबे बाल करने पर आप कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वन एंड वन ओनली विटामिन ई कैप्सूल गाइस। ये विटामिन आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा यूज भी कर लिया है और इससे पहले भी मैंने वीडियोस बना चुकी हूँ, पर अभी मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी नहीं पता है कि इसे किस तरीके से यूज करना है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और गाइस, आपको पता है कि मैं इसे काफी टाइम से, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता रहेगा कि मेरे कोई ना कोई फेस इंग्रेडिएंट हो या फिर हेयर मास्क इंग्रेडिएंट हो उसके अंदर मैं विटामिन ई कैप्सूल जरूर ऐड करती हूँ, क्योंकि ये आपके स्किन मतलब यानी कि आपकी स्किन आपकी स्कैल्प के लिए विटामिन ई बहुत ही ज्यादा काम का है। तो इसे कैसे लगाना है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो बता दिए पर इसका सॉल्यूशन भी तो बताना जरूरी है। तो अगर हम इस विटामिन ई कैप्सूल की अगर बात करें तो मैं आपको एक फोड़ के भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर का ऑयल जो रहता है उसे आपको यूज करना होता है। तो गाइस, इसको कैसे लेना है, आप इसको फोड़ के कैंची से आगे की टिप फोड़ के इसके अंदर का ऑयल आपको किसी कटोरी में निकाल लेना है, उसके अंदर आपको ऐड करना है। आप देखेंगे कि इसका ऑयल जो है ना वो काफी ज्यादा थिक रहता है, तो आपको इसके लिए ऐड करना है इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है आपके बालों के लिए, आपके बालों के स्कैल्प के लिए, इसलिए मैं ज्यादातर कोकोनट ऑयल लेती हूँ, क्योंकि कैस्टर ऑयल भी बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है और ये भी बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है, इसलिए इसके अंदर इसको थिन बनाने के लिए आपको कोकोनट ऑयल यूज करना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे ऐसे जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, डायरेक्टली विटामिन ई कैप्सूल आपके स्कैल्प पे लगाने बोलते हैं, और वो विटामिन ई कैप्सूल अगर आप बालों पे लगाते जाएंगे तो आपको 6-7 कैप्सूल जो वो आपके बालों में तो यूं ही लग जाएंगे, और वो काफी ज्यादा थिक भी होता है और थिक होने के कारण ना उससे आपके हेयर जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक कमकुवत रहते हैं, उससे हेयर टूट भी सकता है। तो आपको इसके लिए आपको कोई भी ऑयल लेना है जो एकदम थिन हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे होता है, वो ऐड करना है 2 टेबलस्पून एंड देन इसके अंदर आप चाहो तो 2 कैप्सूल विटामिन ई की ले सकते हो। इसके बाद आपको उसे अच्छे से मिक्स करना है, आप उसके अंदर एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हो अगर आपको सूट होता हो तो, और आपको इसे आपके बालों के सेक्शन बाय सेक्शन पूरे स्कैल्प पे लगाना है एंड 5 to 10 मिनट्स मसाज करनी है। आधा एक घंटे बाद आप इसे हेयर वॉश कर लो या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हो एंड देन मॉर्निंग में आप इससे हेयर वॉश भी कर सकते हो। आपको इसका रिजल्ट जो है वो 1 मंथ में आपको देखने मिल जाएगा, पर आपको इसे वीक में एटलीस्ट 2 बार तो भी यूज करना है, तब उसके बाद आप आपके बालों की क्वालिटी देखना। 1 महीने बाद आप फोटो खींच के रखना, पहले 1 महीने से पहले, और इसे रेगुलर हफ्ते में यानी 1 वीक में 2 बार इसे यूज करते जाना है एंड देन उसके बाद 1 महीने बाद आप आपके बालों की क्वालिटी देखना कि किस तरीके से आपके बालों की क्वालिटी चेंज हो जाती है, आपके बाल ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बाल अगर फ्रीजी है तो वो एकदम स्मूथ सिल्की बन जाते हैं, बालों की स्ट्रक्चर बदल जाता है, बाल जो है वो 2 गुना लंबा होना स्टार्ट हो जाते हैं, बालों की लाइफ जो है ना वो चेंज कर देता है ये विटामिन ई कैप्सूल। तो गाइज, अभी हम बात करते हैं कि भाई साहब विटामिन ई कैप्सूल हमें मिलेगी कहाँ। तो बहुत ही आसानी है कि
कि आप एक बार आपके मेडिकल स्टोर में जाइए, नजदीक के किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि हमें विटामिन ई की कैप्सूल चाहिए। ये जो है विटामिन ई कैप्सूल यूएसपी 400 mg की है, तो आपको भी 400 mg की ही लेनी है। अगर 1000 mg बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको 400 mg की ही लेनी है। आपको इसे 400 mg की लेनी है और एक्सपायरी डेट जरूर देख लेना, इसकी एक्सपायरी डेट 2023 है। तो आप कोई भी आप मेडिकल से कोई भी चीज परचेस करते हो तो उससे पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लेना। अगर वो एक्सपायर है पहले से ही तो उसे परचेस ना करिएगा, और उसकी एक्सपायरी डेट काफी लॉन्ग टाइम तक है तो आप उसे परचेस करके बेझिझक यूज कर सकते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि मेरे उन सब्सक्राइबर्स की जो इंडिया के बाहर रहते हैं, यानी कि अदर कंट्रीज में रहते हैं, वो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या हमें ये कैप्सूल हमारे यहाँ पे मिलेगी क्या। तो गाइस देखो आसान सी बात है, आपको ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो ऑब्वियसली बात है मिल तो जाएगी, पर थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ भी सकता है क्योंकि डिलीवरी चार्जेस लग सकते हैं। अगर आप आपके मेडिकल स्टोर में जाते हैं, आपके यहाँ पे मेडिकल स्टोर तो होगा ही ना, क्योंकि मेडिकल स्टोर हर जगह पे होता है, तो वहाँ पे जब एक बार आप पूछ लेना कि हमें विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए, आप ये दिखा देना, लगे तो इमेज दिखा देना, ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है, आपको मिल भी सकता है। तो आप एक बार जरूर पूछना कि हमें विटामिन ई की कैप्सूल है, अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ बालों से भी हटके, क्योंकि हर किसी को सिर्फ बालों की ही नहीं तो हमारे स्किन की भी प्रॉब्लम होती है, हमारे नेल्स की प्रॉब्लम होती है, किसी को बाल लंबे करने हैं, किसी को नेल्स ग्रो करने हैं, किसी को नेल्स यानी कि नाखून लंबे करने हैं, किसी को अपने स्किन को प्रिपेयर करना है, अच्छा बनाना है, स्किन की क्वालिटी बढ़ानी है, तो आपको उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना मैं अपने बालों के साथ साथ अपने नेल्स को भी, आप देख सकते हो मैं अपने नेल्स को भी यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल लगाते आती हूँ। अभी मैं फिलहाल फेक नेल्स यूज कर रही थी इसलिए मैं इसको लगाना स्टॉप कर दिया था, क्योंकि फेक नेल्स के लिए आपके नेल्स लंबे होना जरूरी नहीं है, आपके नेल्स छोटे इसलिए तो आप फेक नेल्स यूज करते हो। तो अभी मुझे, जैसे कि आपको पता है कि मुझे अभी खुद के नेल्स जो है वो ग्रो करने हैं, तो आप देख सकते हो काफी अच्छे क्वालिटी में लंबे हो चुके हैं और मैं इसे रोजाना यूज कर रही हूँ। देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से आपको नेल्स पे लगाना है, इसे आपके नेल्स जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसे आपका जब दिल चाहे तब आपको इसे रात को भी, आप इसे रोजाना रात को अपने नेल्स पे लगाते रखो, या फिर एक दिन आर से यानी कि वन डे छोड़ के भी आप इसे अपने नेल्स के टिप्स पे लगाओ, अच्छे से मसाज करो, तो आपके नेल्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप मेरे नेल्स देख सकते हो, और काफी टाइम बाद आप जब मेरी वीडियोस देखेंगे 1-2 मंथ बाद, तब आप मेरे पर नेल्स की ग्रोथ देख लेना। तो वीडियो में तो आपको दिख ही जाता है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर की नजरें बहुत तेज होती है ना, तो वहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मेरे नेल्स कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका कारण सिर्फ विटामिन ई है, मैं विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही मात्रा में यूज करती हूँ और मेरे पास विटामिन ई के कैप्सूल का पैकेट हमेशा से रहता है। इसके बाद आप आपके लिप्स पे लगा सकते हो, अगर आपके लिप्स जो है वो फट रहे हैं, ठंडी है, विंटर है, विंटर में हमारे लिप्स जो है फटे, विंटर ही छोड़ो किस किस को तो ऑल सीजन टाइम लिप्स के बारे में प्रॉब्लम होती है, लिप्स बहुत ज्यादा फटते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक गिरते हैं, या फिर बहुत से लड़कियां लिपस्टिक लगाने की वजह से भी लिप्स जो है वो ब्लैक गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप क्या करना, विटामिन ई की कैप्सूल अपने लिप्स पे लगाना है, आप ये भी एक दिन आर से लगा सकते हो, एक कैप्सूल है इसमें ही आपके नेल्स एंड आपका लिप जो है वो आराम से हो जाएगा। तो आप एक दिन आर से अपने नेल्स एंड लिप्स पे लगा सकते हो, तो इससे क्या होगा ना, आपके लिप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्लम्पी एंड पिंकिश रहेंगे हमेशा, और आपके लिप्स पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो अगर आपके डार्क सर्कल है, बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल है, तो आप इसे एज अ अंडर आई जेल की तरह भी यूज कर सकते हो। इससे ना आपके ये विटामिन ई की कमतरता हमारे स्किन में जब कम होती है तो हमारे स्किन के प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप क्यों उसे इग्नोर कर रहे हो, इतना सस्ता है, आपको ये कुछ 40 rupees में आपको आराम से मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आपको इसे आपके डार्क सर्कल पे लगाना है, मसाज करनी है, एंड आपको इसे रात भर ऐसे ही छोड़ देना है। इवन मैं आपको कहूंगी कि आप इसे ऑल ओवर फेस पे लगाओ,
लगाओ ताकि आपके डार्क सर्कल ही नहीं तो आपकी पूरी स्किन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, बाल आपकी स्किन पे जो भी कालापन है, पिंपल्स प्रॉब्लम है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। आप इसे एज एलोवेरा जेल में भी 1 विटामिन ई कैप्सूल ऐड करके भी आप ये सारे चीजें कर सकते हो, इससे आपको और भी 2 गुना फायदा मिल जाएगा। इतने डीप में आपको कोई भी ये चीज नहीं बताएगा और मैं कोई भी चीज रिसर्च किए बिना मैं आपके सामने नहीं लाती हूँ या फिर खुद के ऊपर ट्राई किए बिना मैं वो चीज आपके सामने बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ। जो भी करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे मैं ट्राई करूंगी, मेरे को खुद को अच्छा रिजल्ट लगता है तब जाके मैं आपके सामने ये पेश करती हूँ, उसके बारे में पूरी रिसर्च करती हूँ, देन मैं आपके सामने ये चीजें शेयर करती हूँ। मैं किसी की भी तरह झूठी बातें या फिर हमें मैं बात नहीं करती हूँ, जो काम की चीजें वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस इसी बात पे एक लाइक जरूर करना क्योंकि आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है। एंड देन आपको करना है सब्सक्राइब ताकि आपको मेरे वीडियोस फ्री में देखने मिल जाए और मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपके तक पहुंच पाए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपके साथ शेयर हो पाए। तो गाइस प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को बेल पे क्लिक करो। तो गाइस बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करना है ऑल पे, तब आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक जरूर करना है, ढेर सारे लाइक करना है और ढेर सारे कमेंट भी करना है, और नेक्स्ट वाली वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करना है। और गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलती हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।